और अब बात करते हैं कल पेश होने वाले बजट की। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में कल योगी सरकार बजट पेश करेगी। बजट को लेकर यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल से हमारे संवाददाता रजनीश पांडे ने खास बातचीत की। कल योगी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, हमारे साथ वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या खास पिटारा होगा यूपी के लोगों के लिए। स्वाभाविक रूप से एक पंक्ति मुझे याद है, अपने यहाँ कहा जाता है महाजना यून गता सपंथा। बड़े लोग जिस रास्ते पर जाते हैं, भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री मेरे आदर्श, केंद्र ने अपना बजट रखा पीयूष जी गोयल ने, तो उन्होंने जो रास्ता बताया है स्वाभाविक रूप से उस रास्ते पर चलना मेरा दायित्व भी है और दिशा भी है। उत्तर प्रदेश का जो कल मैं बजट रखने जा रहा हूँ वो निश्चित रूप से समाज के हित का होगा, समाज के उस हर वर्ग का होगा, चाहे वो दीन हो दुखी हो, समाज के नीचे का वर्ग हो। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि समाज की जो सबसे नीचे की कड़ी है उसका जब तक जो है वो अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तब तक समाज तरक्की नहीं करेगा। तो जनउपयोगी बजट होना चाहिए, मेरा ऐसा मेरा विश्वास है। सरकार, विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही थी कि जो केंद्र की बजट थी उस पर चुनाव का साया था, तो क्या माना जाएगा यूपी का भी जो बजट होगा 2019 के लोकसभा चुनाव की झलक दिखेगी बजट में? आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में चुनाव की बात नहीं करेंगे तो काहे की बात करेंगे? और 2019 के अब तो अप्रैल में चुनाव है, तो कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता है कि इन सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन उसके ऊपर ना हो। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा बजट जो है वो विकास उन्मुखी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी थे। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश का बजट होगा वो जन उपयोगी होगा और लोगों का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। सहयोगी शहनवाज के साथ रजनीश पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ।